हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसका सजेशन हमें बहुत लोगों ने भेजा है और बहुत से कमेंट्स आए हैं इस वीडियो और इसका हमें इंतजार भी था काफ़ी दिनों से, क्योंकि इसका जो टीज़र आया था पहले, टीज़र बहुत ही धमाकेदार था, एक्शन से भरपूर और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी बनने वाली थी। तो ये है ममंगम का ऑफिशियल ट्रेलर और ये अभी हिंदी में नहीं है, सब टाइटल के साथ आया हुआ है। सब टाइटल्स हैं, तो देखते हैं इसके ट्रेलर कैसा है। इसका ट्रेलर മാമാങ്കത്തിന് വള്ളുവ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും ഇന്നും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുകഴ് പെറ്റ പകയുടെ തീകെടാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിതയൊരുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വയറിലാണ് ഞാൻ നീയും പിറന്നത്. भाई तलवार, ये बाजीराव में नहीं थी उसकी पास, वैसी तलवार दिखा रखी है उसकी। രാവണനായ അവനെ നേർക്കുനേറില്ല, ഒരു മഹാവതാരം തന്നെ വേണ്ടിവരും. खतरनाक भाई, पद्म कुमार तगड़ा इसका ट्रेलर यार भाई खतरनाक। एक और एक्शन से भरपूर मूवी आने वाली है, मतलब साउथ की तरफ से। भाई साउथ वालों ने तो खतरनाक कैर डाल रखा भाई, एक के एक बाद एक मूवी ऐसी और वो भी ताकतवर धमाकेदार मूवी आ रही है और साथ के साथ एक्शन और थ्रिलर से भरपूर। इसमें जो दिखाया गया एक फेस्टिवल के रिगार्डिंग दिखाया गया, ममंगम फेस्टिवल है उसके लिए बताया गया, और उसमें पिछली जो इनका टीजर था उसमें इसके मामा का इतना रोल नहीं दिखाया गया था, लेकिन इसमें इसके मामा का रोल दिखाया गया है। मतलब दो तीन है, एक छोटे बच्चे का, वो छोटा बच्चा है, वो भांजा है, वो बताता है टीजर में, हमने वो देखा भी था तो टीजर में क्या था, वो बताता है कि मेरे मामा जैसी तलवार कोई नहीं चलाता था, उनके जैसा वीर कोई था नहीं। और वो तो देख ही लिया हमने कैसे तलवार चल रही थी भाई पूरी भाई, यानी अकेले बंदे ने सबको हिला रखा, सबको, यानी किसी को नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद एक लड़की का रोल भी दिखाया गया है इसमें, वो भी फाइट करती है, थोड़े से उसके आंसू भी दिखाए हैं, थोड़ा सा इमोशनल टच दिया हुआ है इसमें। स्टार्टिंग का जो है पार्ट वो इमोशनल वाला है, मतलब कोई अगर लड़ाई करने जाता है तो मतलब उसके बेस उसके। और एक बात और बोली गई है कि अगर रावण को मारना है तो किसी एक महाअवतार को जन्म लेना पड़ेगा, तो ये मतलब हिस्ट्री का ही कोई पार्ट है, वहीं से मतलब इन्होंने जो मूवी का जो स्क्रिप्ट है वो बनाई हुई है। और जिस हिसाब से इन्होंने मामा और भांजा वाली स्टोरी दिखाई है तो थोड़ी बहुत बाहुबली में जैसे नहीं है स्टोरी कि वो कटप्पा को मामा बोलता है और उसको, वो तो चलो बनाया हुआ मामा है, लेकिन इसमें तो इसका रियल मामा है, रियल वो है। तो वो तो थोड़ा मजाक की बात हो गई, लेकिन वैसे जो इसमें है तो इसमें इसका भांजा भी बहुत अच्छा वो दिखाया गया, क्योंकि भांजे को भी अच्छी खासी नॉलेज है फाइट वाइट की और उसकी उसको विद्या, कुशल विद्या जो है एक्शन से भरपूर। और मतलब जो वो अकेला ही मतलब इसको एक ग्रुप को लीड कर रहा है और मतलब उनको बोल रहा है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ भाई, हाँ, लड़ाई के लिए, क्योंकि और वो एक जंग दिखाई गई है, यानी वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और भाई सीधी सी बात है, कुछ गलत होता है तो आदमी को हथियार तो उठाने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। तो स्टोरी जो मतलब इसकी है वो थोड़ी इससे पता लग रहा है ट्रेलर से मतलब कैसी जाएगी, और जो एक्शन है मूवी के वो तो फुल ऑन भरपूर है इसमें।
तो बाकी तो देखो अभी मूवी रिलीज होने वाली है, इसका टीजर के बाद ट्रेलर आ गया है, तो आई थिंक नवंबर या दिसंबर, दिसंबर में आई थिंक 2019 दिखा रहे हैं, तो शायद जल्दी रिलीज होने वाली होगी मूवी। बाकी इतना है कि एक अच्छी मूवी बनने वाली है ये, बढ़िया मूवी एक। तो ये था ट्रेलर ममंगम का, और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको जितने भी नए वीडियो आते हैं उनका रिएक्शन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।